नेक्स्ट हमारे जो कवि हैं वो है प्रयोगवाद में शमशेर बहादुर सिंह। काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन दिनों, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन लोगों पर। आधुनिक सर यही कंफ्यूज करता सबसे ज्यादा। काल के कवि कंफ्यूज करते हैं क्योंकि तो इनके जो, एक तो ये कि इनके बारे में टिप्पणियां हम काफी ज्यादा पढ़ते हैं, और विशेष करके ये प्रयोगवाद और समकालीन कविता के कवि, इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। एक ढर्रे से हिंदी कविता को एक नई दिशा दी है। अभी तक जो है ना, रचनाएं एक तरीके की देखने को मिलती थी, पुराने पैटर्न पे, पुराने विषयों पर, अभिव्यक्ति की स्टाइल एक जैसी है, और इनके यहाँ पर आते ही विविधता आ जाती है। गजल में, गजल के बारे में अभी तक कहीं पर हमने बात नहीं की है कि ना इस रचनाकार ने गजल लिखी है। अब जैसे ही समकालीन कविता में पहुंचेंगे वहां गजल के बारे में बात होगी। शमशेर बहादुर सिंह, 1911 जन्मकाल, और इनकी मृत्यु हुई 1993, देहरादून इनका जन्म स्थान है। प्रमुख रचनाएं देखिए, अमन का राग, चुका भी नहीं हूं मैं इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ मेरी, उदिता बात बोलेगी हम नहीं, टूटी हुई बिखरी हुई, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं शमशेर बहादुर सिंह की। इसके अलावा भी कुछ काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं शमशेर बहादुर सिंह के। एक तो काव्य संग्रह का बड़ा अजीब सा ही नाम है, कुछ कविताएं, और एक इसी के जैसा दूसरा काव्य संग्रह आया, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं 1975, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा बात बोलेगी, ये आया 1981 है, ठीक है, 1981, काल तुझसे होड़ मेरी, ये आया 88 में। चलिए ये याद रखना, जिन पे स्टार लगाए हुए वो पूछे जाते हैं ये किसकी रचना है। चुका भी नहीं हूं, काल तुझसे होड़ है मेरी, बात बोलेगी हम नहीं, राष्ट्रवादी है, संस्कारों से व्यक्तिवादी है, और अनुभवों से रूमानी कवि नजर आते हैं। हिंदी, संस्कृत और उर्दू तीनों भाषाओं में अच्छी जानकारी रखते हैं ये, और इनको दोआब का कवि कहा गया है। दोआब उस जगह को बोलते हैं जो नदी के दो मुहानों के ठीक बीच की जो भूमि होती है, जो बहुत ज्यादा उर्वरा भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, उसको दोआब कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये नदी भाषा की नदी है, और इसके दो हिस्से हो गए, एक हो गया हिंदी का और एक हो गया उर्दू का। हिंदी उर्दू दोआब के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, तो ये भी एक फैक्ट है, परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य में इनको कवियों का कवि इस उपाधि के नाम से जाना जाता है। इनकी कविताओं का मुख्य स्वर है कुंठित प्रेम, जैसा कि आप जानते हैं प्रयोगवादी कविता में ये जो है कुंठित प्रेम की अवधारणा सब जगह पर जनरली आपको देखने को मिलती है। कहानी और नया साहित्य नामक पत्रिकाओं का संपादन का कार्य भी इन्होंने किया है, शमशेर बहादुर सिंह ने किया है। प्रेम और सौंदर्य के, कुंठित प्रेम के साथ साथ इनको ये याद रखिएगा, ये प्रेम और सौंदर्य के कवि भी कहे जाते हैं। प्रेम और सौंदर्य के कवि के रूप में भी इनकी एक पहचान है। अमन का राग रचना इनकी प्रगतिवादी सरोकारों से संबंधित एक लंबी कविता है, तो लंबी कविताओं के नाम याद रखना, और ये कविताएं लिखी किसने ये भी याद रखना, जैसे असाध्य वीणा, जैसे अंधेरे में, ठीक उसी तरीके से को भी याद रखना। धर्मवीर भारती की भी लंबी कविता को याद रखें। अमन का राग प्रगतिवादी विचारधारा से उत्प्रोत एक लंबी कविता है शमशेर बहादुर सिंह की। उदिता इनकी एक रचना है, और इसकी भूमिका में भी प्रगतिवादी काव्य आंदोलन की आवश्यकता महसूस करते हैं, किंतु वो इससे ठीक तरीके से जुड़ नहीं पाते हैं। इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये संस्कारों से क्या है, व्यक्तिवादी कवि है, इस वजह से वो पूरी तरीके से प्रगतिवादी नहीं बन पाते। अमन का राग में भी इनकी प्रगतिवादी चेतना के दर्शन हमें होते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाते हैं।
एक और चीज याद रखना उदिता से संबंधित है, वो ये कि उदिता की दो भूमिकाएं आपको देखने को मिलती है। जनरली एक रचना की एक ही भूमिका होती है, शमशेर बहादुर सिंह की उदिता की दो भूमिकाएं आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इनको मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया गया, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इनको कबीर सम्मान प्रदान किया गया। ये भी याद रखिएगा, आजकल पूछ लिया जाता है मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है किसके द्वारा दिया जाता है, कबीर सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। क्लियर। 1977 में इनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला, इसके लिए चुका भी नहीं हूं काव्य रचना के लिए, तो ये भी याद रखना, चुका भी नहीं हूं। कब प्रकाशित हुई थी ये? 1975 में प्रकाशित इनकी रचना है, और 1977 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये बीच में अकादमी छपना रह गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी नहीं हूं मैं इस रचना के लिए मिला था। आगे बात कर लेते हैं, शमशेर बहादुर सिंह के बारे में अलग अलग विद्वानों ने काफी सारी बातें कही है, अलग अलग कथन जो है इनके संदर्भ में प्रसिद्ध है और पूछे जाते हैं परीक्षा में। कवियों का कवि है ये बात किसने कही शमशेर सिंह के संबंध में? अज्ञेय ने कही है। शमशेर बहादुर सिंह को मूड्स के कवि कहा जाता है, वो किसी विजन के कवि नहीं बल्कि मूड्स के कवि है, ये बात कही है मलयज ने। मुक्तिबोध कहते हैं कि शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों से तैयार किया है, उस भवन में जाने से डर लगता है, कारण क्या है? उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। ये बात किसने कही है? मुक्तिबोध ने कही है। मुक्तिबोध की भाषा थोड़ी सी दुरूह होती है हमेशा, चाहे आप कविता के संदर्भ में देखिए, चाहे आप इनकी कथा साहित्य के संदर्भ में देखिए। मुक्तिबोध कहते हैं एक और बात कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है, जो प्रभाव छोड़ देता है, जो प्रभाव छोड़ना चाहता है, इस तरीके के चित्रकार की भूमिका सॉरी मनोवृत्ति जो है वो शमशेर की कविताओं में देखने को मिलती है, ये बात भी मुक्तिबोध कहते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कि प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि है ये शमशेर बहादुर सिंह, प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि, ये भी मुक्तिबोध ही कहते हैं। विष्णु खरे इनकी कविताओं की भाषा और इनकी कविताओं के अंदाज पर कहते हैं कि शमशेर की शमशेरियत है, मतलब कि उनका अपना एक रचना विधान है, उनका अपना ही उनकी अपनी एक रचना प्रक्रिया है। बिंब के स्तर पर देखें, प्रतीक योजना के स्तर पर देखें, तो शमशेर प्रयोगवादी कवियों में एक अलग ही तरीके के कवि नजर आते हैं। रामचंद्र तिवारी कहते हैं शमशेर को, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, नाम जरूर याद रखना, और हिंदी का जातीय गद्य इसकी कविता को कहा गया है, शमशेर के गद्य को कहा गया है। ये गद्य के संदर्भ में बात कही गई है, लेकिन याद रखना आप यहाँ पर भी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो कि एक प्रसिद्ध आलोचक है, वो कहते हैं कि भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा, लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मनोस्थितियों को उनकी कला बहुत अच्छे तरीके से साधती है। देखिए जहां पर गद्यात्मक लहजा होता है ना कविता में, वहां आप लय तुक इत्यादि को तोड़ना पड़ता है आपको, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह की खासियत क्या है? भाषा उनकी बोलचाल की गद्य की भाषा है, लेकिन इसके बावजूद लय लिए हुए हैं, तुकबंद रचनाएं होती है, और संगीत का बखूबी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि शमशेर बहादुर सिंह एक ऐसे कवि हैं प्रयोगवादी कवियों में जो कलाओं को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, चाहे वो चित्रकला हो चाहे वो संगीत कला हो, इन कलाओं को इसका इस्तेमाल वो अपनी साहित्यिक रचनाओं में बखूबी करते हैं, और इसी वजह से वो एक अलग तरीके के कवि हैं। इसी तरीके से वो जो है कवियों के कवि कहे जाते हैं अज्ञेय के नजरिए से। तो ये सारे ऐसे कथन हैं जो शमशेर बहादुर सिंह के बारे में कहे जाते हैं, आप इनको जरूर याद रखिएगा।